क्योंकि नीतू जब यहाँ पे आके वर्कआउट करती है तो इसी में गाने चला लेती है। हे एवरीवन, तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ अपना होम टूर। तो चलते हैं रावट 201 के अंदर। हाय गाइस, मैंने भी आपको ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले हमारे घर की एंट्री से पहले मिलते हैं हमारे बुद्धा जी। हम सब इनको देख के अंदर जाते हैं और यहाँ पर गणेश जी, क्योंकि ये माना जाता है कि शुरुआत सबसे पहले गणेश जी से होनी चाहिए, तो हम घर में एंटर करते टाइम सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो चलिए आप लोग भी, अब चलते हैं घर के अंदर। कौन सा गाना बजेगा? टेन 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 टेन। चलिए अंदर। अच्छा, अंदर जाने से पहले सबसे पहले ये हमारा एक सेक्शन है, इसमें क्या क्या है देखो। सबसे पहले हम अपनी चप्पलें यहाँ पे उतारते हैं एंटर करने से पहले। यहाँ पर ये हमारा मेन स्विच बोर्ड लगा हुआ है MCB, और ये हमारा अकाउंट मीटर है। साथ ही में यहाँ पे हमारा वाईफाई लगा हुआ है, जो कि मेन वाईफाई है हमारे घर का। सबके आने जाने वाले डेली यूज वाले चप्पल जूते रखे हुए जाते हैं, और अम्ब्रेला भी है। ये है हमारा एक कॉमन वॉशरूम। तो अब ये एरिया देख लिया, अब चलते हैं अंदर। नीतू की लैंग्वेज में अंदर। अंदर जाने से पहले मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है तो मुझे भी नहीं पता। ये डिजाइन के लिए शायद, ये हमारे गब्बर की कलम आती है, भम्मू ये सब करती रहती हैं घर में तरह तरह के डिजाइन। ये है एक फ्लावर पॉट। ओके, तो और यहाँ पर नहीं, यहाँ से अंदर पहले रूम। तो ये है गेस्ट रूम, जिसमें अभी ये स्टोर रूम बना हुआ है। ये हमारा गेस्ट रूम है सबसे पहले, और इसमें आप सामान देख सकते हो कितना सारा भरा हुआ है। और ये मेरे किट बैग आप देख सकते हो, इसमें मेरा सारा क्रिकेट का सामान है। ये मेरे दोनों किट बैग्स हैं, ये पूरा एक्स्ट्रा देखो कितने सारे कंबल हैं। अच्छा, ये सारा सामान पता है क्या है? ये मोस्टली वो सामान है जो मम्मी और पापा कहीं जाते रहते हैं, तो पापा की ना गाड़ी में डब्बे रखे रहते हैं, उनको कोई भी नीडी लोग दिखते हैं तो उनको कभी कंबल दे दिए, कभी ये सामान दे दिए, तो ये उन दोनों का रिजर्व सामान यहाँ पे रखा हुआ है। हमारा गेस्ट रूम है, देखो आप देख सकते हो यहाँ भी टेबल लगी हुई है पढ़ाई वाली, यहाँ पे सोफा लगा हुआ है, यहाँ पे कारपेट लगा हुआ है, सारी चीजें, एक AC यहाँ पे लगा हुआ है, और अलमीरा है यहाँ पे दो, यहाँ बेड है। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज क्या है, तो यहाँ से ये व्यू आता है बाहर का हमारी सोसाइटी के लिए, और यहाँ से एक बालकनी अटैच्ड है बिल्कुल। तो हम बालकनी आपको बाहर से जाके दिखाएंगे क्योंकि थोड़ी गर्मी है, पहले मैं घर का टूर करा देता हूँ। ये एक बालकनी है, और अब दिखाता हूँ मैं यहाँ का आपको वॉशरूम। यहाँ के वॉशरूम को भी हमने बना रखा है। ये वॉशरूम देखिए, ये है गेस्ट रूम का वॉशरूम, आप देख सकते हो काफी बड़ा है साइज में यार, काफी बड़ा है। चलो चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं आपको घर अपना पूरा। तो अब इस रूम से बाहर निकलते हैं और अब आपको दिखाते हैं अपना बाकी का घर, आइए। तो ये था हमारा पहला रूम, अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। उससे पहले हम दर्शन कराएंगे आपको भगवान जी। ये हमारा मंदिर घर में घुसते ही, ताकि आते टाइम सबसे पहले मंदिर में नजर जाए और जाते टाइम भी भगवान का आशीर्वाद लेके हम जाए। ये हमारा मंदिर, जय श्री राम। तो ये मंदिर, उसके साइड में ही है किचन। किचन किचन भी दिखाते हैं, आइए। ये मतलब एक्स्ट्रा फ्रिज है इसमें ना, मतलब वैसा सामान आता रहता है जो एक्स्ट्रा का सामान होता है वो। बाकी आप देख सकते हो ये पूरा फ्रिज, ये सब मम्मी की पसंद का है यहाँ पे, और इसमें कुछ खाने पीने का सामान रखा रहता है। मेरा मन इसी में जाता है, जब भी मैं आता हूँ ना, जल्दी जाकर कुछ खा पी लूँ। बाकी ये पूरी अलमीरा जो रही है वो सब खाने से भरी हुई है, और ये कुछ छुटमुट सामान, इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है इसलिए मैं कुछ बोलूंगा भी। किचन का आपने देख लिया, लेकिन किचन में एक और अच्छी चीज है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, वो है किचन की बालकनी, और यहीं से हमारा जाता है वर्कर रूम, आइए। तो किचन से बाहर आते ही हमें मिलती है सुंदर सी बालकनी, और ये बालकनी हमारी यूज होती है बैठ के चाय पीने के लिए, लेकिन कम ही यूज हो पाती है। तो ये बालकनी के साथ है हमारा वर्कर्स रूम, और ये हमारा स्टाफ रूम है घर का, हम आपको एक बार ये भी दिखाते हैं, आइए। यहाँ पर इनका जस्ट सामान रखा हुआ है, यहाँ और वहाँ पर वो वॉशरूम है जो जिसमें ये लोग नहाते हैं। जो अभी आपने देखा था ना, वहाँ पे कूलर रखा हुआ था, वो दीदी के लिए था क्योंकि ये लोग सोते उधर है। यहाँ इनका सामान या फिर इधर इन्होंने ये बिछाया हुआ है, अगर दोपहर में आके मन करता तो इधर बैठ जाते हैं। अब हम चलते हैं बाकी घर की तरफ, चलो। तो अब हम किचन के उस साइड गए थे, और अब हम जाएंगे किचन के इस साइड। जाएंगे अंदर। किचन से निकलते आप देखोगे ना ये सब डेकोरेशन, ये किसका हो सकता है आप गैस करो, सही गैस किया। तो ये है मम्मी की डेकोरेशन, ये कुछ अलमीरा, इसमें हम अपनी चाबी वगैरह रख देते हैं आते टाइम। अब आइए, हम लेके चलते हैं आपको अंदर अपने घर में। तो घर के अंदर एंटर करते ही हमारे लेफ्ट में पड़ता है ड्राइंग रूम, और राइट में पड़ता है डाइनिंग टेबल, जिसको पहले हम आपको दिखाते हैं ड्राइंग रूम, जिसको हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ओके, शाहरुख खान वाली स्टाइल में मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखो ड्राइंग रूम में, ये हमारा यूट्यूब ने जो हमें गिफ्ट भेजा था, चलता आप ये देखो ऐसे अच्छा लग रहा है ना ये। तो ये यहाँ पे हमारा एक एलेक्सा रखा हुआ है, क्योंकि नीतू जब यहाँ पे आके वर्कआउट करती है तो इसी में गाने चला लेती है, भजन भी क्योंकि हम जब पूजा घर, ये रहा हमारा, जब पूजा करते हैं उस टाइम भी यहाँ पे हम भजन चला लेते हैं। तो ये है हमारे यहाँ पे सोफे थ्री साइडेड, और ये है सुंदर सा झूमर जो मॉम ने लगवाया है।
नीचे एक पेंटिंग जिसको मैं सोच रहा हूँ यहाँ एक अपना फैमिली फोटो ला के लगाऊंगा पेंटिंग की जगह, है ना। और ये मेरी पता है मेरे पूरे घर में फेवरेट स्पॉट यही है, मैं यहाँ ऐसे पढ़ता हूँ और पैर यहाँ रखता हूँ और आराम से टीवी देखता हूँ और फिर मैं सुनता हूँ डांट सबकी, क्योंकि मम्मी को भी नहीं पसंद, नीतू को भी नहीं पसंद कि मैं इधर बैठे खाना खाऊं, बोलते डाइनिंग टेबल किस लिए लिया हुआ है। सही बात भी है लेकिन मैं तो आलसी हूं ना। मगर अच्छा है ना, फेवरेट कॉर्नर है। मगर अच्छा है ना, बेड पे नहीं खा रहे और यहाँ पर खा रहे, तो ये भी अच्छी बात है। अच्छा और दूसरी चीज इसमें क्या है, आप देखो सामने कितना अच्छा व्यू आ रहा है और यहाँ पर है हमारा यूट्यूब का बटन जो की हमारे लिए है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशल। तो जब भी मैं इसको देखती हूँ ना बहुत प्राउड फील होता है हम दोनों को। और ये हमारा टीवी और ये है कर्टन, ये है वॉल, सब कुछ मम्मी की पसंद का। अब हम आपको दिखाते हैं अपनी बहुत ही अमेजिंग बालकनी जिसको हमने बनाने में हमें काफी टाइम लग गया था ना, लगा हमें हमने फेक ग्रास लगवाई, पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम कुछ और करें पर फिर हम एंड पर हमने सोचा नहीं ग्रास ही काफी है। आज हमसे पहले गुची को जाने की जल्दी हो रही है। एनीवेज चलो चलते हैं बाहर। तो ये है हमारी बालकनी और यहाँ पे ये दो स्टूल हैं जहाँ पे हम बैठ के शाम को चिल करते हैं आराम से, चाय पीते पीते बाहर का नजारा। ये हमारा यहाँ पर जब भी हम बैठते हैं ना हम लोग बहुत ही प्राइवेट बातें किया करते हैं फ्यूचर को लेके। हाँ ये हमारा बहुत पीसफुल एरिया है। हाँ मतलब यहाँ बैठ के बहुत मेंटल पीस मिलता है और साथ में आप एक बार यहाँ का व्यू देखो। तो यहाँ से आता है हमारा डाइनिंग एरिया जो कि है ये, जो कि सिर्फ 10% यूज में आता है क्योंकि मैं खाना हमेशा वहाँ खाता हूँ। पता है डाइनिंग टेबल में मेरे ये सोचे रहते हैं सौफ और ये है टॉफी कोकोनट वाली। ये हमारा फ्रिज यहाँ पर वहाँ एसी लगा हुआ है और इधर है हमारी बालकनी दूसरी। अब हम आपको वो दिखाते हैं, आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपनी बालकनी में जो कि है मेन बालकनी, उसके आगे आती है पूरी हमारी छत। चलो तो इस बालकनी में हमारे कपड़े धुलते हैं जैसे कि आप वॉशिंग मशीन देख के समझ ही गए होंगे, यहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है हमारे सारे कपड़े धुलते हैं, इधर ही सूख जाते हैं। बेसिकली ये वॉशिंग एरिया है, इसके बाहर आता है हमारा प्लांट एरिया। ये है हमारी पूरी छत, आप देख सकते हो कितनी प्यारी और कितनी बड़ी छत है। ये पूरा हमारा घर है 4000 स्क्वायर फीट का। तो गाइस ये है हमारी छत जो कि है बहुत बड़ी और यहाँ पर लग रहे हैं हमारे टमाटर। ये हमारे बहुत तरह तरह के प्लांट लगे हुए हैं, ये देखो टमाटर, ये मम्मी लगा के गई थी और ये सड़ गया मैं अब देख रही हूँ। यहाँ बहुत सारे अलग अलग वेजिटेबल्स लगे हुए हैं। आप आओ, ये छत पूरी आगे तक तो बहुत बड़ी है तो हम पूरा दिखाएंगे क्योंकि धूप हो रही है बहुत ज्यादा। ये हमारे एसी के वो क्या होते हैं फैंस लगे हुए बाहर। और यार ये देखो यहाँ पर छोटे छोटे मिनी मिनी से टमाटोज लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कपड़े भी सूखते हैं जब धूप इधर आती है सुबह सुबह के टाइम। और साथ में देखो पीछे आप देख सकते हो कुछ जिम का सामान रखा हुआ है, जब वर्कआउट करना होता है तो हम यहीं भी कर लेते हैं जब जिम नहीं खुला हुआ होता। साथ में आप देखोगे ना ये यहाँ का व्यू है पूरा हमारी छत से। तो ये छत यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसके आगे भी खूब बड़ी छत है यहाँ तक एंड वहां पर है उस छत का जहाँ पर हम पिजन्स को खाना और पानी देते हैं, आपने देखा होगा पहले के ब्लॉग में, तो वहां पर वो सब होता है। वहां पर नहीं जाऊंगी बहुत धूप है। और यहाँ से ना मेरा पूल भी दिखता है, आओ दिखाऊं मैं आप लोगों को। तो अगर आप वहां पर देखोगे तो वो पूल दिख रहा है, तो जैसा आपने देखा वहां पर मेरा पूल दिख रहा था और ये पूरी छत है यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने ना लखनऊ, मैंने ये भी सोचा था कि यहाँ पर हमें ग्रास लगवाएं बट फिर बहुत ज्यादा ओवर हो जाता और अच्छा नहीं लगता, क्लीन नहीं हो पाती छत, इसलिए हमने स्किप कर दिया। तो यहाँ से आप लोगों ने हमारा देख लिया आधा घर, अब आधा आप यहाँ से देखोगे जो कि है बहुत ही मेन एरिया। तो ये है हमारा मिरर एरिया जहाँ पर मॉम मैं हम सब यहाँ पिक्चर्स लिया करता, सोनी दीदी को भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर पिक्चर्स बहुत यहाँ पे क्लिक करती है। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये हमारा घर जो है 4 BHK, पहला रूम आपने देखा बाहर जो गेस्ट रूम है, 3 रूम मेन हमारे ये है, इसमें सर्वेंट रूम, हाँ मतलब 4+1 जी, इसमें रहती है नीतू, वो है हमारा एक तरीके का गेस्ट रूम, एक और ये मेरा रूम है लेकिन इसमें भी कोई भी आता है तो इसमें रुकते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये देखना और ये आपको पता है किस घर के अंदर आते हैं हमें दोबारा से भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन। अच्छा अब हम पहले लेके चलते हैं इस वाले रूम में जो की है लखन का रूम। अच्छा मैं बता दूं लखन अपने रूम में जब आते हैं तो लखन को अपना प्राइवेट टाइम चाहिए होता है, तो लखन अपने रूम में होता है, मैं अपने रूम में होता हूँ। बीच वाला जो रूम है उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी नए कपड़े आते हैं तो मैं उसमें रखती हूँ, तो वो इसीलिए यूज होता है। आ जाओ और देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, लव। चलिए अब हमारी एंट्री होती है लखन के मेरे रूम में। तो ये मेरा रूम छोटा सा, ये मेरा बेड, यहाँ पर मैं एडिटिंग करता हूँ इसलिए देखो लैपटॉप रखे हुए हैं क्योंकि मैं लेट के एडिटिंग करता हूँ वजह से, और ये मेरा कुछ कैमरे का सामान रखा हुआ है यहाँ पे, अपने मैं फोन चार्जिंग पे लगाता हूँ, ये लैंप लगा हुआ है यहाँ पे, एक सोफा है यहाँ पे देखोगे आप। और ये मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर है इस रूम का, पता है क्यों, देखो सबसे पहली बात बुक जो कि मैं पढ़ता हूँ और इधर इधर बैठ के मैं एडिटिंग भी करता हूँ, साथ में इधर बैठ के मैं पियानो प्ले भी करता हूँ, मतलब मुझे ना मुझे ये सब
आर्ट में बहुत दिलचस्पी है, पियानो बजाना हो या फिर मल्टीटास्कर तो यहाँ ज़्यादा खुद की तारीफ हो जाएगी, या फिर बुक पढ़ना हो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नॉलेज गेन करना, ए सी लगा हुआ है ऊपर, और यहाँ से मैं एक बार आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, हाँ मेरे रूम से जो आता है। तो अब हम लेके चलते हैं आपको अंदर, और ये है मेरा एक तरीके का स्टोर रूम। आप देख सकते हो इसमें मेरी अलमीरा है, इसमें मेरे सामान रखे हुए हैं, मेरे कपड़े, यहाँ मेरे कपड़े रखे हुए हैं और नीचे मेरे शूज रखे हुए हैं कुछ एक्स्ट्रा, यहाँ पे लकड़ी कैप्स रखी हुई हैं जो कि मैं पहनता हूँ। ये तीन अलमीरा है और इसमें मेरा सामान सिर्फ एक अलमीरा में, दो अलमीरा भरी हुई है नीतू के सामान से। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, ये है यहाँ का ड्रेसिंग एरिया जो कि मेरे यूज का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे सारे प्रोडक्ट नीतू के रखे हुए हैं इधर भी। ये है मेरा बाथरूम, इधर नहाने के लिए जगह है, ये वॉश बेसिन है और उधर टॉयलेट है, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा क्यूट सा बाथरूम। अब हम चलते हैं दूसरे रूम में। कातिया कातिया क्या करने लगी, चल दूसरे रूम में। एक मिनट कातिया, होम टूर आज ही पूरा करना है अपने को, आ जा। अच्छा एक मिनट, तो जैसा आपने ये देखा ये रूम है लखन का। अब हम बढ़ते हैं दूसरे रूम में जो कि रहता है बिल्कुल खाली, जिसमें रहते हैं सिर्फ मेरे कपड़े जो कि है ये, आ जाओ। और ये रूम भरा रहता है बस नीतू के कपड़ों से, आप वो देख सकते हो ना, वो जितनी भी चीजें रखी है बस इसके कपड़े आते हैं यहाँ पे अनपैक होते हैं। ये रूम तो अभी इसी काम का बच गया है। अच्छा तो ये आप रूम देखोगे ना, इसमें पहली बार तो अलमीरा जो है, ये वाली अलमीरा मेरे खाने से भरी हुई है, चिप्स कुरकुरे वो सब भरा हुआ है, और यहाँ पे मेरे कपड़े हैं, ऊपर भी मेरे कपड़े हैं, इसी का कपड़ा है, मतलब ये भी वो भी, घर में जितनी भी अलमीरा है उस सब पे सिर्फ एक का राज चलता है, वो है नीतू बेस्ट। अच्छा पता है ये टॉफी ना हमने ना बच्चों के लिए दी, जो भी हमारे घर में बच्चे आते हैं हमसे मिलने के लिए हम उनको दे देते टॉफी चॉकलेट बहुत सारी चीजें, और ये दो डब्बे तो खत्म हो गए, इतना सा बचा है। और पता किसने खत्म किया है, कीर्ति दीदी ने, हाँ, वो भी बच्चा ही है। और ये देखिए इस रूम में कितने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल चीजें रखी हुई है, ये भी सब मम्मी की चॉइस है। और आप देखोगे ये यूट्यूब वाले जो यूट्यूब हमको भिजवाता रहता है, तो एक्सेस में सामान आता है हम खोल भी नहीं पाते, वो सब अभी इधर ही रखा हुआ है, इसके अभी तक अनबॉक्सिंग भी नहीं की हमने। और ये यहाँ की बालकनी इस रूम की, ये है इस रूम की बालकनी, छोटी सी है लेकिन रास्ता है यहाँ से जाने का, ये हमारी छत, तो जो आपने देखी थी ना ये छत हमारी सेम वही है, पूरी जॉइंट है आगे तक, और यहाँ से हम शाम का व्यू लेते हैं, बहुत अच्छा मिलता है। अभी भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। इसका वॉशरूम आपने देखा नहीं, लखन ने स्किप मारने वाले थे, मैं दिखा देती हूँ इसका वॉशरूम भी। अच्छा आप लोगों को बताऊं, जितने भी हमारे पांचों रूम है ना, मतलब टोटल चार रूम प्लस वन जो सर्वेंट रूम है उसमें भी सब में अटैच्ड बाथरूम है, तो ये इसका बाथरूम है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ का बाथरूम है, ये नहाने का एरिया है, ये हाथ धोने का एरिया है और वो खुद को धोने का एरिया है, ये भी आपने देख लिया। अब मैं दिखाऊंगी बहुत ही मेन रूम, आ जाओ। तो अब हम एंटर हो चुके हैं नीतू के रूम में, और इस रूम में सिर्फ, वैसे तो पूरे घर में नीतू की चलती है, इस रूम में तो किसी को पैर भी नहीं पड़ने देती किसी का। ये जितनी भी अलमीरा है इसमें इसके फालतू का सामान भरे हुए हैं, मेरी तो शायद बुक्स वुक्स हैं, इसमें गुची का सामान है कुछ खाने का, उसकी ट्रीट्स वगैरह, बाकी आप देख सकते हो उसके बैग ऐसे ऊपर रखे रहते हैं, एक मार्शल का स्पीकर वहाँ लगा हुआ है, ये टीवी यहाँ लगा हुआ है जो बैठ कर मैं देखता हूँ। ये है मेरी पानी की बॉटल जिसको मैं एक दिन में पूरा खत्म करती हूँ, और हो सकता है इससे भी ज्यादा पी लेती हूँ, कोकोनट वाटर में पीना होता है। तो ये है सोफा इस रूम में, का यूज सिर्फ लगन करते हैं और जो पाई आते हैं मामा आते हैं तो बैठा करते हैं, मैं नहीं बैठती हूँ, मैं सिर्फ अपने बेड पर बैठती हूँ या फिर ये स्टडी टेबल में बैठती हूँ, यहाँ पर इसमें मैं काम करती हूँ, यहाँ पर मेरा लैपटॉप रखा रहता है जो कि अभी है लखन के रूम में, वहाँ पर अभी हम काम कर रहे थे इसलिए यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ ये मेरा मेन है एडिटिंग का एरिया जहाँ पर मैं एडिटिंग क्या करती हूँ यहाँ पर, और यहीं पर मैं कभी कभी अपने डिनर कर लेती हूँ क्योंकि काफी लेट हो जाता है, तो मैं डिनर भी यहीं पर कर लेती हूँ। बाकी यहाँ पर आप फोटो देख रहे हो लखन की, कैप देख रहे हो, लखन ने बोला मैं इस रूम में आता नहीं, तब भी लखन का सामान यहीं पर रखा है, और ड्रॉर्स में बहुत फालतू का सामान रखा है तो वो मैं नहीं दिखाऊंगी। तो मेरे रूम में लगा है ये एलेक्सा, अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं इससे गुच्ची को देखती रहती हूँ, अगर वो यहाँ पर सोता है खाता है जो भी होता है, मैं अभी 6 दिन के टूर में थी तो मैं इसमें बड़ी नजर रखी हुई थी, ये मैं बार बार ऑन करके देखती थी कि गुच्ची क्या क्या कर रहा है। बाकी ये रहा हमारा मार्शल जिससे मैं सुबह सुबह यहाँ पर भजन लगाती हूँ, अपने गाने लगाती हूँ, जिसमें डांस कर सकूँ, वर्कआउट कर सकूँ, तो ये एरिया यहाँ का खत्म होता है। तो ये हमारा टीवी जो हमने यहाँ पर आने के बाद, जब मैं 6 महीने रेंट पर रही थी फिर मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी, तो उसके बाद हमने ये टीवी खरीदा था, उसको ज़्यादा हिला ही नहीं वरना गिर जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी अलमीरा जिसमें मेरा काफ़ी सारा सामान है, ऑब्वियसली हो गई लड़की का खूब सामान होता है, और अपना मेकअप रूम काम है। तो ये है मेरा मेकअप रूम, आओ यहाँ पर सारा है मेरा मेकअप का सामान। मेकअप का सामान ना मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी कि मैं कौन कौन सा मेकअप यूज करती हूँ, अभी मैंने खुशी को काफी टाइम से बता रही हूँ क्या क्या यूज करना है, फिर मैं आपको भी बहुत जल्दी बताऊंगी कि आपको अपने फेस को शाइन करने के लिए, जैसे मेरा फेस शाइन करता रहता है मैं बहुत सारी चीजें लगाती हूँ इसलिए, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये है मेरी अलमीरा, ये है मेरी दूसरी अलमीरा, ये है मेरा तीसरी अलमीरा छोटी जिसमें मेरा सामान रखा हुआ है, और ये है मेरे सारे बैग जितने भी एक्सपेंसिव बैग है मेरे वो यहाँ पर रखे हैं, ये मेरे रखा है क्योंकि गिर जाएगा काम कर जो काम करते हैं उनसे गिर सकता है साफ सफाई में, तो ये मैंने ऊपर रखा हुआ है। ये है मेरा गुची का परफ्यूम, ये है मेरा एलवी का परफ्यूम जो कि बहुत एक्सपेंसिव है
इसलिए मैंने इनको यहाँ पर रखा है। इसमें ये अभी तक किसी को पता नहीं था, ये मैंने बड़ा ही छुपा के रखा था। रिक्की आता है ना, रिक्की आ रहा है या कोई भी घर पर आता है ना, तो उसको पता होता है कि मैं प्रोटीन बार बहुत खाती हूँ। तो ये मैंने लंदन से मंगवाया था रिक्की से, तो ये अभी तक पूरा भरा हुआ था। अब देखो कितना भरा गया। ये है मेरी ट्राउजर्स की, यहाँ पर मेरी सारी जीन्स ऊपर नीचे यहाँ पर भी देख रहे हो, यहाँ पर सारी जीन्स रखी हुई है। नीचे मेरी जो भी मेरी ब्रांड की चप्पलें हैं वो यहाँ पर रखी है। तो ये है मेरा वॉशरूम, ये यहाँ पर है बाथटब जिसका मैं यूज नहीं करती, जिसमें सिर्फ गुची नहाता है और मैं यहाँ पर रहती हूँ। ये है कपड़े रखने का, जो गंदे कपड़े हो जाते हैं वो है पॉट। ये है मेरा सुंदर सा वॉशरूम। तो आपने मेरा मेकअप रूम भी देख लिया, मेरा वॉशरूम भी देख लिया, मेरा रूम भी देख लिया। मुझे अभी याद आया मैंने एक दो चीज ना मिस कर दिया आपको दिखानी। पहली तो ये सोफा एरिया जहाँ पर हम लोग यहाँ पर वीडियो शूट करते हैं और जब थक जाते हैं तो यहाँ पर बैठ जाते हैं, तो ये दोनों सोफा हमारे लिए बहुत काम आते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मली घर जो कि है बड़ा ही सुंदर। यहाँ पर मैंने डांस की प्रैक्टिस काफी की थी, और मैंने एक दो डांस करके दिखाएंगे हमारे वो शादी वाला। तुम्हें याद है ना शादी वाला डांस? नहीं मैं भूल गया। अच्छा तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसके बाद दूसरा होम टूर भी आने वाला है। और प्लीज कमेंट करके बताना सबसे अच्छा आपको घर में क्या लगा। इसी तरह जुड़े रहो और व्लॉग्स बिल्कुल देखना मिस नहीं करना। बाय बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में। अरे यार ये तो मुझे नहीं याद आ रहा, चलो वीडियो खत्म करते हैं। नहीं 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 गाइज आपको कैसा लगा ये प्लीज जरूर बताना। और काफी टाइम से आप बोल रहे थे कि आपको विला का टूर चाहिए, तो वो भी हम बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी मतलब नेक्स्ट मंथ कर दिए हमने, हमने शुरुआत कर दी है वाला घर दिखाने से। अब हम दिखाएंगे अपना विला। और प्लीज यार हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही लाइक करते रहो और देखते रहो। शेयर जरूर करना इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, है ना लखन? Yes. और क्या बोलोगे? बस मिलते हैं कल, बाय। कल मिलते हैं, बाय बाय।